स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन, चैप्टर 3, क्लास 6, पार्ट 7. इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक वाइज, एंड दिस चैप्टर इज फुली कंप्लीटेड एंड सम न्यूमेरिकल आल्सो हैव. सो here three numerical from this chapter. So please hear this the numerical how to solve this problem. Number one is, while measuring the length of a knitting needle, while measuring, क्यों हम लोग बुनने वाले नीडिल का हम लोग लंबाई को मापते हैं. The reading on the scale are 3.0 centimeter and 33.1 centimeter. अगर उनके स्केल पर इनको रीडिंग किया जाता है तो इनकी लंबाइयाँ 3.0 सेंटीमीटर और 33.1 सेंटीमीटर है. तो what is the length of the needle? तो नीडिल की लंबाई क्या है? Solution. First reading on the scale. हम लोग रीडिंग स्केल पर देखते हैं तो इनका मेजरमेंट कितना है, 3.0 सेंटीमीटर. एंड द सेकेंड रीडिंग ऑन द स्केल 33.1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो लेंथ ऑफ द नीटिंग नीडिल की लंबाई क्या होगी, हम लोग सेकेंड में माइनस वन करेंगे. फर्स्ट रीडिंग हम लोग माइनस करते हैं. 33.1 माइनस 3.0 सेंटीमीटर. सो द वैल्यू है 33.1 माइनस 3.0 ब्रैकेट में लेंगे, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आता 30.1 सेंटीमीटर. दी आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, the distance between Radha's home and her school is 3250 meter. राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है. तो एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर. अब इसकी दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है, आप कैसे करेंगे? सॉल्यूशन. इन दिस प्रॉब्लम the distance is given in meter and we have to convert a into kilometer km. We know that यहाँ इस प्रॉब्लम में हम लोग को बताया गया है कि हम मीटर में दिया हुआ और इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. हम लोग जानते हैं, we know that 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, या 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. सो पुटिंग द वैल्यू 33250 मीटर इक्वल टू 1/1000 इनटू 3250 किलोमीटर. सो कैंसिल, 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 130 आएगा, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा. जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिए, हमारा आया यहाँ पर 13/4 किलोमीटर. 4 से 13 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.250 किलोमीटर. दस स्टेटमेंट क्या है, thus a distance of 3250 meter is equal to 3.25 kilometer. तो यहाँ दूरी जो है 3250 मीटर जो है 3.250 किलोमीटर के इक्वल है, यही हमें पूछ रहा था. तो ये भी प्रॉब्लम हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 16.5 मीटर. एक व्यक्ति की ऊंचाई जो है 16.5 मीटर है, 1.65 मीटर. एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अब इसे सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना है. कैसे करेंगे हम लोग,
तो नंबर वन में लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन द फर्स्ट केस वी हैव टू कन्वर्ट द हाइट ऑफ 16.1.65 मीटर इनटू मिलीमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1.65 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर के रूप में। तो यहां हम लोग देखें को 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो 1.65 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1.65 मीटर इक्वल टू, देखिए दो डिजिट के बाद है यहां पर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट के बाद ये हमारा जीरो आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आया 165 सेंटीमीटर हुआ। दस स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, दस हाइट ऑफ 1.6 मीटर। इस तरह से 1.65 मीटर की ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये स्टेटमेंट हमारा रेडी हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में आइए, इन द सेकेंड केस वी हैव टू कन्वर्ट द हाइट ऑफ 1.65 मिलीमीटर इन मिलीमीटर। अब क्या होता है सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि 1.65 मीटर जो है उसको मिलीमीटर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 1000 मिलीमीटर होता। सो 1.65 मीटर इक्वल टू 1000 इंटू 1.65 मिलीमीटर मीटर। तो यहां हम लोग मल्टीप्लाई किए तो टू डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है ये, तो क्या होगा डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और हमारा होगा 1650 मतलब 1650 मिलीमीटर के रूप में हमारा ये वैल्यू प्राप्त हो गया। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दस ए हाइट ऑफ 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। इस तरह से 1.65 मीटर की ऊंचाई जो है 1650 मिलीमीटर के इक्वल है। इस प्रकार से प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप सारे बच्चे को मैं यही कहूँगा कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इससे जितने भी पार्ट आप बनाए गए हैं मेरे द्वारा तो उन सभी को आप नोट करें और नोट करने के बाद इसे याद करें और क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।